आत्मा के ऐसे सभी कार्यों और अनुभव को मन कहा जाता है। आत्मानुभूति को प्राप्त करने के लिए मन को अंतर्मुखी होना चाहिए। आत्मा का मानसिक विस्तार आत्मा में ही सिकुड़ जाना चाहिए। तो आपने आज सुना दर्द क्यों होता है, मन की शक्ति क्या है, इसको ज़रूर फिर से सुनिए। जिए संसार, जिए समृद्ध। कल हम फिर से वेदात्री महर्षि का एक अनमोल चिंतन लेके आएंगे।